हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्मिता और आज मैं जा रही हूं वाकी की दरगाह। यहां से तकरीबन 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये दरगाह है, तो चलिए चलते हैं। आज चलते हैं हम दरगाह में। आज जा रहे हैं हम वाकी की दरगाह। वाकी, हम वाकी जा रहे हैं। और अदीरा, हम कहाँ जा रहे हैं? वाकी जा रहे हैं। पूजा दीजिएगा। चादर नहीं, हार ही चाहिए है। हार नहीं, चादर ही रहेगी ना। चादर दे दीजिए, अपनी फूलों की चादर दीजिएगा। कौन सी फूल? 100-150 वाली। 100 वाली दे दीजिए। यहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं, तो मम्मी जो है यहाँ पर अगरबत्ती चलाते हुए, और यहाँ पर जो है मन्नत के धागे बांधे जाते हैं इस जगह पर। क्यों नानी के पास चलो? तो मैं।
यहाँ पर अब हमारे जो है वो दर्शन हो गए हैं दरबार के। थोड़ी देर अब हम यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद जो है वो घर पर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पर आकर, बहुत सालों के बाद भी मैं यहाँ आई हुई हूँ और बहुत सुकून मिलता है। अंदर बिल्कुल भी आपको शूट करने नहीं देते, इस वजह से मैं अंदर की तो कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, पर जो प्रीमाइसेस है उसका मैंने काफ़ी अच्छे से शूट किया है, जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बोलो क्या हो गया, क्या चाहिए? मास्क निकालना है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। जैसे कि आपने देखा कि कल मैं गई थी वाकी की दरगाह दर्शन के लिए, कल हमारे दर्शन वहां पर बहुत अच्छे हुए हैं और आज अब दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो मुझे 1 से 2 काम है अभी करने के। साथ ही मैं आज यहां पर एक बहुत ही फेमस वीरा स्वामी रेस्टोरेंट जाने वाली हूं। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है ये, लगभग 30 साल पुराना ऐसा ये रेस्टोरेंट है जहां पर साउथ इंडियन कुजीन बहुत अच्छा मिलता है। मतलब कि जो ब्रेकफास्ट होते हैं जिसमें कि इडली, सांभर वड़ा, डोसा, उत्तपम, ये बहुत ही टेस्टी होता है वहाँ का। मैंने तो बचपन से ही यहाँ पर खाया हुआ है। ये माउंट रोड सदर में है और वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप वहाँ पे पार्सल भी ले सकते हैं। तो मैं आज बच्चों के लिए वहाँ से पार्सल लाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं आज हम वीरा स्वामी रेस्टोरेंट। जो वीरा स्वामी से हमने जो पार्सल्स लिए थे वो हमारे सबके खाकर हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी ऐसे वो स्नैक्स थे, डोसा और सांभर वड़ा तो हमेशा की तरह वहाँ का अमेजिंग ही होता है। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वहाँ पे वीडियो जो है वो शूट करने के लिए दिया है। आप जब कभी नागपुर आए या जो भी नागपुर के लोग हैं वो भी ज़रूर जाए एक बार वीरा स्वामी, आपको वहाँ का टेस्ट बहुत पसंद आएगा। मेरी तो हमेशा की तरह मेरी चाइल्डहुड जो मेमोरीज है वहाँ पर जाके एकदम मुझे सब चीज़ें याद आ जाती है कि मैं कैसे हमेशा वहाँ जाया करती थी, और एक्सपीरियंस हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है वहाँ का इस बार भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही मैं वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अगले व्लॉग में मिलूंगी, साथ ही में जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो स्टे ट्यून,
हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।